morning everyone. Today we will start the next chapter, that means differentiation, which belongs to class 12. We already discussed about the differentiation, differentiability, continuity, and today we will discuss mostly on the problem which I have given to your WhatsApp group as a PDF. First of all, the first and foremost question, which is y equals sine x square plus 5. The question given by me is that how can you differentiate? That means how can you find dy by dx in that function? Just try to understand everyone. You have to apply a rule. That rule is called Chan rule. शायद आप इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन चैन रूल क्या होता है ध्यान से सभी सुनोगे पहले। चैन रूल कहता है कि आप किसी भी डेरिवेटिव का अगर निकालना चाह रहे वैल्यू और वो फंक्शन में वेरिएबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एट फर्स्ट यू हैव टू सपोज टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट इज व्हाई वी हैव टू सपोज लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू, क्योंकि बच्चों अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी मान लूंगा तो ये साइन टी बन जाएगा और साइन टी काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है। इसलिए हम लोग का पहला प्राथमिकता ये होगा कि अगर कोई फंक्शन फॉर्मूला पर सेट नहीं कर रहा है तो उसे फॉर्मूला पर सेट करवाने के लिए उस वेरिएबल को कोई खास टर्म के रूप में मानना होगा। हमने यहाँ पर x square plus 5 को क्या समझ किया? t समझ किया। That means y equals क्या बना? y equals sin t बना। That means you can write y equals what? sin t. Because we have supposed x square plus 5 as t है। तो इस जगह मैंने क्या put कर दिया? t put कर दिया। Now, what we have to do again? We have to differentiate y with respect to going short milliliter WRT, with respect to what? T. तो अगर सर इसको T के respect में differentiate क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि ये y function T का, लेकिन निकालना क्या आपको है? निकालना है dy by dx। एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे क्या चैन रूल के अकॉर्डिंग dy by dx को लिख सकते हो dy by dt into dt by dx। ऐसा कैसे लिखेंगे इसको? एक रूल है लिबनीज का जो आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में। उस लिबनीज के रूल में कहा गया है कि अगर कोई भी डेरिवेटिव dy by dx दिया हुआ है, तो इफ यू एक्सप्रेस dy by dx as dy by dt into dt by dx, then dt and dt cancel out, you left with dy by dx. That means dy by dx को आप express कर सकते हैं dy by dt into dt by dx के रूप में। ठीक है, यहाँ तक फिर से बोल रहा हूँ मैं। y function किसका है? y function t का है। तो y को differentiate करना होगा t के respect। इसलिए मैंने यहाँ पर y को t के respect में differentiate किया। और ये t यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये extra आ गया। इसको balance करने के लिए divide किया dt से, dt multiply कर दिया। और एक साथ दिख रहा है ये दोनों पार्ट कट जाएगा और ये बचेगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि सर 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 by 4 into 4 by 2 कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 कट जाएगा और क्या बचेगा? 1 by 2 बचेगा। दैट इज व्हाई वी हैव एक्सप्रेस्ड dy by dx as dy by dt into dt by dx। अंडरस्टूड एवरीवन? इट इज सेड टू बी चैन रूल, तो ये चैन बन गया है dy by dx into dt by dx। उसके बाद सिंपल है d by dt, y के रूप में क्या होगा? और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव कहोगे सर? एक बार फिर से मैं कर रहा हूं इसको, जगह वहां पर कट रहा था।
डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो डी बाई डी टी वाई के जगह पुट किया गया साइन टी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मान चुका है y इक्वल्स व्हाट, y इक्वल्स साइन टी, और t के जगह आपको क्या मानेंगे x स्क्वायर प्लस 5 जो दिया गया, ठीक है यहां तक। तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा cos t इनटू x स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 5 का कांस्टेंट 0 होगा, आंसर विल बी 2x cos t। t को क्या माने, t को मैंने माना है x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज योर रिजल्ट, दैट मींस द आंसर कम्स आउट टू बी 2x इनटू x cos स्क्वायर x cos x स्क्वायर प्लस 5। क्या तक ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज पीडीएफ में भेजा है उसका सॉल्यूशन था। मैं फिर से बोल रहा हूं, यू हैव टू अप्लाई चैन रूल टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन। एट फर्स्ट इन चैन रूल वी हैव टू सपोज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एज ए सिंपल वेरिएबल दैट इज t u v एक्स्ट्रा, उसके बाद बाद में इसको t मान लिया इसको, तो x स्क्वायर प्लस 5 की जगह t पुट किया तो y इक्वल्स क्या हो गया sin t हो गया। जब y इक्वल्स sin t हो गया तो यहां से आप कहेंगे सर dy / dx निकालना है, जिसको आप लिख सकते हैं dy / dt * dt / dx। व्हाट वी अप्लाई हियर, वी अप्लाई अ चैन रूल, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, सो वी हैव टू प्लेस y इक्वल्स sin t, sin t का डेरिवेटिव cos t, और t की जगह पुट किया x स्क्वायर प्लस 5 जो मैंने यहां माना था। फिर मानने के बाद फिर डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का 2x हो गया और 5 का 0 हो गया, कहोगे सर 2x क्यों आया, तो आप यही पढ़ेंगे आपके वक्त में कि x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, सभी जानते हो ना x के पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n minus 1। इसी कॉन्सेप्ट से x स्क्वायर का 2x हुआ, 5 कांस्टेंट था, 5 का 0 हुआ, 2x plus 0, 2x होगा 2x into cos 2 cos t, 2x cos t हुआ, t का मान जो माने तो पुट कर दिए लास्ट में आंसर आपका आ गया। कहोगे सर t का मान क्यों पुट कर दिए, बच्चों t के रूप में आंसर नहीं होगा, जो क्वेश्चन में t नहीं है, क्वेश्चन में x है, इसलिए t का मान हम लोग पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लिखने का समय नहीं दूंगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा सर। आगे बढ़ता हूं फिर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स cos root x, क्या आपने कभी cos root x का डेरिवेटिव पढ़ा है, कहोगे नो सर, cos x का पढ़े, जब cos x का पढ़े तो ऐसा करते हैं कि root x को t मान लेते हैं, तो y cos क्या बन गया, ये cos t बन गया, बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जिसका आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हो उसको फॉर्मूला पर सेट करने के लिए ही हमें मानना पड़ेगा एक सूटेबल वेरिएबल, मान लिया। अब फिर कहोगे सर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको चैन रूल से फिर कहोगे डी वाई बाई व्हाट डी टी इनटू डी टी बाई क्या कहोगे डी एक्स, क्यों कहोगे, क्योंकि वाई फंक्शन किसका है, टी का है, और टी किसका फंक्शन है, एक्स का, फिर यहां पर डी बाई डी टी वाई के रूप में काम कौन कर रहा है, cos t कर रहा है, इनटू d बाय dx, फिर t के रूप में काम कौन कर रहा है, रूट x कर रहा है, कहोगे सर cos t का डेरिवेटिव पढ़े हैं 11th में भी, माइनस साइन t 11th में आप नहीं पढ़े हैं, तो मैंने आपको पिछले दो क्लास में उसका एक पीडीएफ भेजा था सारे फॉर्मूला, उसको आप लुक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, और रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, लेकिन हमारा हम लोग का आंसर जो होगा वो रूट x के टर्म में होगा, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t के जगह पर व्हाट रूट x sin माइनस sin t sin रूट x बाय 2 रूट x, दिस इज योर रिजल्ट। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, इस पर बेस्ड एक और शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, मतलब कि आप बिना चैन रूल का किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगा, आप इसे किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को शॉर्ट टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन पर ही वर्क करता हूं, उस कॉन्सेप्ट पर, जैसे पहला ही क्वेश्चन जो मैं सिखाया था उसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करूंगा, इन शॉर्ट हाउ कैन यू सॉल्व इट, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। y इक्वल्स आपके पास sin x स्क्वायर प्लस 5 है,
डिफरेंशिएट करना है देन हाउ कैन यू डू सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डी वाई बाय डी एक्स निकालना दैट आप मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव जो फॉर्मूला पर सेट नहीं कर रहा उसको मैंने मान लिया ये पूरा एक्स माने आप मन में दिखाना नहीं कहीं पर मतलब इसको सो नहीं करें एक्स माने खुद अपने आप सेल्फ में मान लीजिए कि एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़ेगा कॉस एक्स चलिए कॉस एक्स लिख जिसको एक्स माने वही लिखे लेकिन वास्तविक में ये एक्स तो है नहीं इसलिए हमें दोबारा इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करके जो कुछ आएगा विच हैज टू बी प्लेस्ड हेयर एज द प्रोडक्ट दैट मींस हमको गुना में डालने के बाद इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है जिसको एक्स माने थे तो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स फाइव का क्या होगा जीरो तो आपका यहां से रिजल्ट क्या हो गया टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दिस इज योर रिजल्ट देखिए उस तरीके से भी आंसर इतना आया था और इस तरीके से भी आंसर इतना आया अंतर क्या है ये एक स्टेप में सॉल्व हो गया सिर्फ सिंगल स्टेप ठीक है कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम है तो उसको जो आपको मैं टी मार्क्स पूछ के आऊँ उस तरह सॉल्व करेंगे ये आपका पहला शॉर्ट ट्रिक बेस्ट क्वेश्चन था चलिए बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था पहले स्टेप में आंसर आ गया यहाँ पांच स्टेप छह स्टेप जो बढ़ना पड़ा वो नहीं करना पड़ेगा वो सिंगल स्टेप आंसर आएगा जो ट्रिक थी उस ट्रिक पर जाते हैं इस क्वेश्चन को देखिए शॉर्ट ट्रिक सुना रहा हूँ ये रूट एक्स कॉस एक्स कॉस सर डिफरेंशिएट करेंगे इसको y को x के रिस्पेक्ट कॉस सर कॉस रूट x का फॉर्मूला पढ़ेगा कॉस x का पढ़ेगा ठीक है कॉस x x मान लीजिए x मान रहा है मन में यार कॉस x क्या होगा माइनस साइन x सही है बिल्कुल सही है फिर कौन सा x है यहाँ पर फिर दीजिए x को रूट x का वन बाय टू रूट x होगा आंसर विल बी माइनस साइन रूट x बाय टू रूट x बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर है जो पिछले क्वेश्चन में ठीक है तो ये हम लोग का तरीका होगा एक्स तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको पहले आप अगर हो सके तो चैन रूल पे सॉल्व कीजिएगा अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक व्हिच आई हैव गिवन टुडे तो इस पर बेस्ड एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आप अपने बुक से बनाइएगा और जो डाउट होगा उसको आप शेयर कीजिएगा फ्रॉम फॉर नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट प्रॉब्लम थैंक यू हैव अ नाइस डे